आज हम शक्ति या पावर पर आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। हम जानते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और इसका एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, वाट है। तो आइए आंकिक प्रश्न देखते हैं। एक 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान या जीना है ना, ये जीना चढ़ता है वो, है ना, जिसको कहते हैं सीढ़ियाँ एक के ऊपर एक क्रम से, चढ़ाव जिसको कहते हैं। तो ये 50 किलोग्राम का एक लड़का है और ये 45 सीढ़ियाँ चढ़ता है, और कितनी देर में चढ़ता है, 9 सेकंड में चढ़ता है। तो इसका द्रव्यमान हो गया 50 किलोग्राम और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो हरेक सीढ़ी है, इस हरेक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। मतलब इस तरीका का शेप देखिए, एल शेप, ये देखिए यहाँ, तो ये जो है ये इसकी हाइट है, ये वाली, ये हाइट कितनी उसकी, 15 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति हमें निकालना है। तो देखिए, अगर दो सीढ़ियां मैं लगा देता हूँ एक के बाद एक, तो फिर ऊंचाई कितनी बन जाती है, 15 और 15 कितना हो जाता है, 30 सेंटीमीटर हो जाता है। ऐसी कितनी सीढ़ियां हैं उसके पास, 45 सीढ़ियां हैं, और इन 45 सीढ़ियों को कितनी देर में चढ़ता है वो, 9 सेकंड में चढ़ता है। हर एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो हमें ये पूरी ऊंचाई को भी निकालना पड़ेगा कि ये पूरी ऊंचाई कितनी है। जब एक सीढ़ी की 15 सेंटीमीटर है तो 45 सीढ़ियों की कितनी होगी, दो सीढ़ियों की 30 हो गई, 15 दूना 30, तो 45 की कितनी होगी, 15 गुना 45, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखिए लड़का चढ़ता है, ये देखिए, जब ये लड़का चढ़ जाता है तो हम देखते हैं कि ये जो पूरी ऊंचाई है ये हो जाती है 45 गुना 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एक सीढ़ी की 15, तो 45 सीढ़ियों की 45 गुना 15 सेंटीमीटर। मतलब हमको जो दिया है वो सब लिख लेते हैं हम, एम कितना दिया है, द्रव्यमान 50 किलोग्राम, कितने सेकंड में चढ़ रहा है, 9 सेकंड में, कितनी उसको जी का मान कितना दिया है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये सवाल में दिया है। नहीं दिया हो तो आप 10 भी लिख सकते हैं, 9.8 भी लिख सकते हैं। और एच जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है 45 सीढ़ियों की ऊंचाई। तो एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो 45 सीढ़ियों की, ये जो पूरी 45 सीढ़ियों की जो ऊंचाई है, 45 सीढ़ियाँ हमने यहाँ प्रतीकात्मक रूप से बताई है, प्रतीकात्मक रूप से 45 बताया है इनको, तो ये 45 सीढ़ियों की जो ऊंचाई होगी वो होगी 45 गुणित 15 सेंटीमीटर, तो ये होगा 675 सेंटीमीटर। और चूंकि जी का मान मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो इसके लिए इसको भी मीटर में बदल लीजिए, तो 100 का लगा दीजिएगा भाग, तो 675 बटे 100 6.75 मीटर हो जाएगा। अब आपके पास में शक्ति निकालने के लिए सारे मान आ चुके हैं और हमें पता है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति होता है कार्य बटे समय, मतलब किया गया कार्य और लिया गया समय, मतलब ये जो वो कार्य कर रहा है, इस कार्य को वो कितना कार्य कर रहा है एक तो ये, और इस कार्य को करने में कितना समय ले रहा है, उसका अनुपात कहलाता है शक्ति। अब एक खास बात ध्यान रखिएगा, जो कार्य है वो कितना है यहाँ पे, तो आप याद रखिएगा कि चूंकि वो इस तरीके से ऊंचाई पर चढ़ रहा है, तो एम द्रव्यमान की वस्तु को एच ऊंचाई तक जब आप उठाते हैं गुरुत्व बल के विरुद्ध, तो आपके लिए जो किया गया कार्य होता है वो होता है एम जी एच, जिसको अब यहाँ पर स्थिति ऊर्जा भी बोलते हैं। तो एम द्रव्यमान की वस्तु को एच ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य, और ये कार्य किसके विरुद्ध हो रहा है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध हो रहा है, और ये कार्य होता है एम जी एच, एम द्रव्यमान, जी गुरुत्वीय त्वरण और एच ऊंचाई, या कुल मिलाकर यूं भी कह सकते हैं एम जी भार है और एच ऊंचाई है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये पी बराबर हो जाएगा एम जी एच अपान टी, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, क्या एम का मान 50 किलोग्राम, जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच का मान 6.75 मीटर, ठीक है। भाग किसका लगाएंगे, समय का, समय कितना है, 9 सेकंड। चलिए 50 गुणा 10 गुणा ये दशमलव हटा दीजिए, 675 बटे, और 9 के आगे दो जीरो बढ़ा दीजिए दशमलव हटाने पर, एक और एक दो जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 675 बटे 9, और इस 675 में 9 का भाग लगाइए, तो ये बन जाएगा आपका, देखिए मैं भाग लगा रहा हूँ, 9 7 जा 63, 9 7 63 और फिर 4 यहाँ आए तो 45 हुआ, और 9 5 जा 45, मतलब 9 5 45, तो ये 75 बन जाएगा। तो ये हो गया 5 गुणा 75, ये हो गया 375 वाट। ये उसके द्वारा व्यय शक्ति होगी इन 45 सीढ़ियों को चढ़ने में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सवाल में कि एम और जी दोनों नहीं देते हुए, मतलब अलग अलग नहीं देते हुए, जैसे यहाँ पर एम भी दिया 50 किलोग्राम द्रव्यमान और जी दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों अलग अलग नहीं देते हुए एम जी दे दे, मतलब भार दे दे उसका, है ना, जैसे यहाँ लड़के का भार ही दे दिया होता है एम जी 500 न्यूटन, तो फिर हम यहाँ सीधे क्या लिखते हैं, 50 गुणा 10 के बजाय 500 लिखते हैं, ठीक है, देखते हैं।
दो लड़कियां हैं जिनमें प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है, ये भी 400 न्यूटन की, देखिए एमजी दे दिया, इसका भी एमजी 400 न्यूटन है, इसका भी एमजी 400 न्यूटन है, और एक रस्से पर एच मतलब 8 मीटर ऊंचाई तक चढ़ती है दोनों लड़कियां। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, लड़की ए जो है 8 मीटर ऊपर चढ़ने में 20 सेकंड का समय ले रही है, और लड़की बी, ये वाली लड़की बी मान रहे हैं हम, ये 8 मीटर ऊपर चढ़ने में 50 सेकंड का समय लेती है। तो प्रत्येक के द्वारा व्यय शक्ति निकालिए। देखिए ध्यान से देखिएगा आप, एक को 20 सेकंड लग रहे हैं, एक को 50 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। फिर हम सवाल पे आते हैं, देखिए 20 सेकंड और ये देखिए धीरे 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 जाते हुए ये 50 सेकंड लगे। तो अब हम जो बात कर रहे थे कि शक्ति निकालना है प्रत्येक के द्वारा, तो शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति हो गई किया गया कार्य डब्ल्यू और लिया गया समय टी का अनुपात। अब हमें फिर से पता है ये बात कि ये पी बराबर हो जाएगा एम जी एच अपान टी। अभी हमने पढ़ा था एम जी एच कैसे हुआ, एम द्रव्यमान की वस्तु को एच ऊंचाई तक ऊपर उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो कार्य करते हैं वो होता है एम जी एच। अब मजेदार बात देखिए, यहाँ पर एम जी मतलब भार आपको दिया हुआ है, इस लड़की का भी 400 न्यूटन, इस लड़की का भी 400 न्यूटन, मतलब एम जी का मान आपको दिया है 400 न्यूटन। तो भार एम जी दिया है दोनों लड़कियों का 400 न्यूटन, ठीक है। अब दोनों लड़कियों के लिए हमको वैल्यूज निकालना है, तो चलिए सबसे पहले लड़की ए के लिए ले लेते हैं, पी बराबर एम जी एच अपान टी में मान भरिए, तो एम जी का मान कितना हो गया 400 न्यूटन और एच 8 मीटर, ठीक है। और बटे समय कितना लिया इसने, इसने टाइम लिया है 20 सेकंड, मतलब ये थोड़ा जल्दी चढ़ गई। तो ये देखिए हल करते हैं, 400 में 20 का भाग, 0 से 0 कटेगा और ये 20 होगा, 20 गुणा 8 160 वाट। तो इसके द्वारा जो व्यय शक्ति है वो है 160 वाट। अगर लड़की बी के लिए देखें हम, तो देखिए उसके लिए फिर ये वैल्यू आप पुट करिएगा पी बराबर एम जी एच अपान टी में। तो देखिए एम जी एच तो इसके लिए भी वही है जो इसके लिए है, क्यों, क्योंकि दोनों का भार एम जी 400 न्यूटन है, दोनों ऊंचाई एच बराबर 8 मीटर चढ़ रही, तो 400 गुणा 8 यहाँ भी है, 400 गुणा 8 यहाँ भी है। लेकिन इसको 20 सेकंड लगे थे, इसको 50 सेकंड लगे, ये थोड़ा धीमे चढ़ी है तो इसको 50 सेकंड लगे। तो देखिए अब इसके द्वारा जो व्यय शक्ति वो कितनी होगी, तो देखिए 50 जीरो से जीरो काट दीजिए, 5 का 40 में 5 का भाग 8 बार, 8 गुणा 8 64 वाट इसके द्वारा व्यय शक्ति है। तो मतलब लड़की बी थोड़ा धीमे चढ़ी है, मतलब उसके द्वारा जो व्यय शक्ति है ये समझिए आप कम है, और लड़की ये थोड़ा जल्दी जल्दी चढ़ी है, 20 सेकंड में चढ़ गई थी, तो उसके द्वारा व्यय शक्ति ज़्यादा है।